स्विस फेडरल लेबोरेटरीज फॉर मटेरियल्स टेस्टिंग एंड रिसर्च यानी EMPA। हाँ, भविष्य की इलेक्ट्रिक बैटरी पर रिसर्च चल रहा है। मकसद है आजकल की बैटरियों से ज्यादा ऊर्जा देने वाले, ज्यादा चलने वाले, ज्यादा ताकतवर और इको फ्रेंडली बैटरी बनाना। इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि बैटरी में कौन से केमिकल लगे हैं। बैटरी में हमेशा कैथोड और एनोड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे होते हैं। आमतौर पर यह एल्युमिनियम और तांबे से बनती है। लिथियम आयन बैटरी के कैथोड पर निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज के ऑक्साइडों की परत चढ़ी होती है, वहीं एनोड वाले सिरे पर ग्रेफाइट की। इनके बीच में इन्हें अलग करने वाली सेपरेटर नाम की एक परत होती है जिसमें से केवल आयन आर पार जा सकते हैं। इन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए। कैथोड और एनोड दोनों सेल के अंदर ऊर्जा के संचालक इलेक्ट्रोलाइट में डूबे रहते हैं। चार्ज करते समय कैथोड की कोटिंग से लिथियम आयन निकलते हैं और सेपरेटर से होते हुए एनोड तक पहुंचते हैं। वहां वे ग्रेफाइट में समा जाते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब वे वापस कैथोड की ओर जाते हैं और इसी दौरान इनसे ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया में दोनों सिरों के बीच इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं। कॉर्सिन बटालिया और उनकी टीम इलेक्ट्रिक बैटरियों को बेहतर बनाने पर रिसर्च कर रही है। इनकी खास दिलचस्पी इसको बनाने वाली सामग्री में से कोबाल्ट जैसे अहम मटेरियल को निकालने में भी है। पिछले 20 सालों में कोबाल्ट की मात्रा लगातार घटाने में कामयाबी भी मिली है। कोबाल्ट का खास गुण है बैटरियों को लंबा चलने वाला और शक्तिशाली बनाना। यही कारण है कि अब इस कच्चे माल के बिना बैटरी बनाने के लिए जल्द से जल्द एक नया विकल्प तलाशना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उद्योग जगत को इससे काफी उम्मीदें हैं। चीन पहले ही इलेक्ट्रिक कार उद्योग में कम से कम $60 अरब का निवेश कर चुका है। यूरोप में अब जाकर इसमें तेजी से काम हो रहा है। यूरोपीय कई सालों तक इसे लेकर उदासीन रहे और तब उन्हें लगा कि अब इसका ट्रेंड आ रहा है। यकीनन अब हम इसे बहुत तेजी से फॉलो कर रहे हैं, यानी जो ज्ञान एशिया ने कई साल पहले अर्जित कर लिया हमें जल्दी से जल्दी उस स्तर पर पहुंचना है। वहीं कई तरह के शोध अभियान शुरू किए गए जिससे अगले 10 सालों में हम भी बैटरी उद्योग में अग्रणी भूमिका निभाने की हालत में आ जाएंगे। बैटरी पर रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए EMPA जैसे संस्थानों की तरह करीब 70 प्रोजेक्टों को यूरोपीय बैटरी अलायंस से मदद मिलती है। इस समय मटेरियल एक्सपर्ट बैटरी में इस्तेमाल करने लायक इलेक्ट्रोलाइट का कोई और विकल्प भी ढूंढ रहे हैं जिसकी लिथियम कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। लैब में वे ऐसा करने में सफल भी हो चुके हैं। बैटरी में लिथियम कंडक्टर के तौर पर आम इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के बजाय रिसर्चरों ने एक हल्के ठोस को आजमाया। इससे बैटरी काफी हल्की हो गई और सुरक्षित भी। एक ओर तो ये सुरक्षा के लिए है, लेकिन जाहिर है कि हमें भी ये उम्मीद है कि इससे बैटरियों को जल्दी चार्ज करना संभव होगा। ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये ज्यादा गर्म हो जाएंगे। भविष्य में इलेक्ट्रोमोबिलिटी के मामले में अग्रणी बनने में यहाँ चल रहे काम से मदद मिल सकती है। आने वाले कुछ ही सालों में बैटरियों को न केवल शक्तिशाली, सुरक्षित और लंबा चलने वाला बल्कि कहीं ज्यादा इको फ्रेंडली भी होना होगा।